नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज के क्लास में मैं आपको एक नए रूल सिखाने वाली हूँ। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है या स्पेलिंग लिखना नहीं आता है तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो आज की क्लास आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए बहुत काम आने वाली है। तो जैसे कि मैंने लिखा है वोवल्स स्पेलिंग क्लास वन, वॉवल स्पेलिंग क्लास वन। तो यहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे हम नाम लिखते हैं और स्पेलिंग लिखते हैं तो उसमें कुछ वॉवल्स अलग भी होते हैं जो हमें शायद नहीं भी पता होते हैं। तो हम पहले ये जानेंगे कि कितने प्रकार के वॉवल्स होते हैं स्पेलिंग में। अभी तक हमें सिर्फ 5 वॉवल्स पता है, लेकिन स्पेलिंग में और भी होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से 5 होते हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन इनमें फर्क क्या है वो हम पहले जान लेते हैं। मैं थोड़ा कैमरा अपना सेट कर लेती हूँ। हाँ, तो जो आप मान लीजिए कोई भी नाम लिखते हैं जैसे सीता गीता वगैरह वगैरह, तो उसमें आप अपने सिंपल वोवल्स यूज करते हैं। जैसे आ यानी कि सिंपल मात्रा ही यूज करते हैं, बड़ा आ। मैं हिंदी में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, उसके बाद ए, ये तो है नाम की मात्राएं जो आपको पता ही होती है, लेकिन स्पेलिंग की जानेंगे कि स्पेलिंग में क्या फर्क होता है। ओ, बड़ा ओ, उसके बाद अन, ये जो वैसे तो वोवल्स नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ आपको मात्राएं बता दी है। तो ये कुछ मात्राएं होती है जो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये तो हमारे नाम लिखने के काम आती है, ठीक है, लेकिन स्पेलिंग में क्या है वो जान लेते हैं। स्पेलिंग की मात्राएं थोड़ी अलग होती है, ये सब तो होती है ही, लेकिन इससे हटके भी होती है। जैसे आई, आई आपको इन मात्राओं में नहीं मिलेगा, सिर्फ इसके लिए अलग से मिलेगा। जैसे यू, यू जो यू की मात्रा जो होती है वो आपको स्पेलिंग में मिलेगी। जैसे आउ, ये भी आपको स्पेलिंग में ही मिलेगी, आपको इसमें नहीं मिलेगी। जैसे ओई, और जैसे ए, अब आप कहेंगे ए क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 3 तरीके के ए होते हैं, तो तीनों तरीके के ए आपको पता होने ही चाहिए। और जैसे कि और बहुत से साउंड है, जैसे आई हो गया, यू हो गया। आई भी 2 प्रकार के होते हैं साउंड, आई की 2 आवाज होती है, इसलिए ये अलग है ये अलग आई है। तो पहले हम जान लेते हैं एक एक करके कि इनमें क्या फर्क है। ये तो हम कई बार सीख चुके हैं लेकिन ये हमें नहीं पता होता है। तो पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर इसको बताऊंगी ताकि आपको दोनों पता चल सके। तो चलिए हम अच्छे से समझ लेते हैं। मैं बड़े बड़े अक्षरों में अच्छे से वोवल्स को समझाऊंगी। तो वोवल्स यानी कि मात्राएं, और मात्रा हमारी वोवल्स जो होती है स्पेलिंग वाली वो अलग होती है और रीडिंग वाली अलग होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ की बात करते हैं। अगर आप कोई भी नाम लिखते हैं तो आ के लिए ए आता है, लेकिन कहाँ आता है, जहाँ कोई मात्रा ना हो, जहाँ कोई मात्रा नहीं हो या फिर ना हो। जैसे कि मैंने लिखा कमल, तो यहाँ आपको कहीं पर भी कोई भी मात्रा नहीं दिखेगी, तो क म ल, तो बीच में आप जो ए देख रहे हैं ना, यहाँ पर ए लिखना होता है, यानी कि बीच में जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होगी वहाँ क्या लिखा जाएगा, वहाँ ए लिखा जाएगा, कहाँ पर, बीच में। तो ये भी ध्यान रखना है कि बीच में लिखना है, ये नहीं कि आप लास्ट में लिख दें। लास्ट में ए नहीं लिखा जाता जब तक आकर डंडा ना हो। तो सबसे पहला रूल्स आपको ये पता होना चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा बड़ा आ, तो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है लेकिन पता होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा आ थोड़ा सा कन्फ्यूज करता है, वो कैसे जान लेते हैं। बड़े आ के लिए आप ए लिखते हैं और डबल ए लिखते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है पहले तो वो जान लेते हैं। दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप भी ये सोचते हैं कि दोनों एक ही जैसे हैं तो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि
क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का अलग अलग समझना जरूरी है। अगर सिर्फ हम ए लिखते हैं तो उसका मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि जल्दी से जब आ का साउंड आता है, और अगर हम डबल ए लिखते हैं तो इसका मतलब है धीरे। जब भी आ को खींच के बोला जाए धीरे से आ, तो हम डबल ए लिखते हैं, लेकिन सिर्फ अ आवाज आ रही है तो हम सिर्फ ए लिखेंगे। तो ये कुछ साउंड होते हैं, जैसे मैंने लिखा आम, तो यहाँ पर हम खींच रहे हैं आम, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ए इस तरीके से लिखना है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं काम, तो यहाँ पर आप ज्यादा खींच नहीं रहे हैं, तो आप सिर्फ के ए एम भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप बोले काम खींच रहे हैं, तो आपको डबल ए लिखने की जरूरत होती है। तो ये फर्क होता है ए और डबल ए में, क्योंकि हम नॉर्मली आजकल सिंपल ही बोलना पसंद करते हैं, हम ज्यादा खींच के नहीं बोलते हैं, तो इसलिए ज्यादातर आजकल लोग सिर्फ ए लिख देते हैं। उसके बाद दूसरी मात्रा की बात कर लेते हैं, जैसे कि ई की मात्रा। ई की मात्रा के लिए आई लिखा जाता है हमेशा, चाहे कहीं पर भी अगर जल्दी से ई की आवाज आएगी तो आपको आई लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा कोई भी नाम, जैसे आपने लिखा किरण, किरण, तो हम क्या लिखेंगे आई। तो आजकल बड़ी मात्राओं के लिए भी आई लिखा जाता है, क्योंकि हम ज्यादा खींच के बोलते ही नहीं है, तो ये जो आई होता है ये हमेशा जल्दी के बारे में बताता है, यानी कि जब भी आप जल्दी से बोल रहे हैं तो आपको आई लिखना है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं बड़ी की मात्रा, यानी कि बड़ी की मात्रा के लिए भी हम डबल ई और आई दोनों लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने, मान लीजिए आपने बोला किल, लेकिन अगर आपने बोल दिया कील, तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, क्योंकि कील एकदम जल्दी से बोला जा रहा है और कील एक धीरे से साउंड है, तो इस तरीके से आपको दोनों में फर्क पता चलेगा। ठीक है, अभी फर्क समझाने के लिए मैंने स्पेलिंग में भी, क्योंकि आई लिखा जाता है इसलिए स्पेलिंग का ही एग्जाम्पल बता दिया है। उसके बाद हम जान लेते हैं छोटे ऊ की मात्रा। कहीं पर भी अगर ऊ की साउंड आती है तो हमेशा जल्दी से अगर ऊ की साउंड आती है तो हम यू लिखते हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए है, स्पेलिंग के लिए नहीं है। जैसे मैंने लिखा कुल, तो हम क्या लिखेंगे के यू एल, या मैंने लिखा कुरन, कुरन, तो हम डबल, या फिर आपने देखा होगा पूजा, आजकल हम पूजा नाम सबको पता होता है, तो पूजा, यहाँ पर देखिए खींच के बोला जा रहा है पूजा, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो जो लोग यू लिख देते हैं उसका मतलब होता है पूजा, और अगर आप डबल ओ लिखते हैं तो पूजा। वैसे आजकल लोग यू भी लिख देते हैं बड़ी ऊ की मात्रा के लिए, दोनों ही राइट माना जाता है, लेकिन छोटी मात्रा के लिए आपको यू ही लिखना है, डबल ओ नहीं लिखना है। ठीक है, तो बड़ी ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे डबल ओ, और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको समझ में आया, अब मैं आपको आगे बता देती हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा फोन साइलेंट कर दूँ। अब उसके बाद जान लेते हैं ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए सिर्फ ई ही लिखना है, कोई भी अगर आप नाम लिख रहे हैं तो ए की मात्रा के लिए सिर्फ ई लिखिए, और इसकी आवाज भी हमेशा जल्दी से होती है, यही इसकी पहचान होती है। जैसे मैंने लिखा के र, तो क्या लिखेंगे के र न, या फिर मैं कोई लिख रही हूँ मेरा, मेरा घर पास में है, यानी कि मे रा, या फिर मैं बोलूँ मेरा तो ए आई आएगा। यहाँ पर मैं जल्दी नहीं बोल रही हूँ, मतलब जल्दी बोल रही हूँ, धीरे नहीं बोल रही हूँ। जैसे ते, तेरा, जैसे फे रा, फेरा, तो यहाँ पर सभी में जल्दी बोला जा रहा है, इसलिए हमने ई लिखा है। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर बड़े ए की आवाज होगी तो क्या लिखेंगे ए और आई लिखेंगे, लेकिन इसको हमेशा धीरे से बोला जाता है, ये इसकी पहचान है। जैसे मैंने लिखा तेरक, तेरक,
किते रा, स्मॉल में लिख देती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में, इस कैपिटल में भी लिख देती हूँ स्मॉल में भी। तेरा, देखिए बीच में ए जरूर लिखते हैं चाहे आपका डंडा हो या ना हो, ये मैंने आपको बताया था तो ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ओ की आवाज, ओ की आवाज भी यही है कि अगर जल्दी से कहीं पर भी किसी नाम में अगर ओ आया है तो आपको ओ के लिए ओ ही लिखना है। जैसे मैंने लिखा ओ ओमल, तो क्या लिखेंगे ओ म ल, यहाँ पर जल्दी बोलना। जैसे मैंने लिखा ओ कोट, एक मिनट ये थोड़ा सा लॉन्ग साउंड मारे तो कोट कोट नहीं होता। जैसे मैंने लिखा डॉग, तो टी ओ जी डॉग, तो यहाँ पर आपने देखा। इसके बाद बड़े ओ की मात्रा, अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तो इसमें थोड़ा बड़े ओ की मात्रा का मैं लिखवा देती हूँ कि कोई भी अगर हम नाम लिखते हैं और बड़े ओ की मात्रा होती है तो उसका मतलब है कि जहाँ पर भी धीरे से ओ की साउंड आएगी तो वो बड़े ओ की मात्रा है। इसको लिखने में कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर कहीं पर भी अगर आपको धीरे से ओ की आवाज़ आ रही तो ए और यू लिखिए। जैसे को सल, को सल, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ए और यू, क्योंकि यहाँ पर सॉरी क्योंकि यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अंक की बिंदी, यानी कि ए और एम। इस अंक की बिंदी को हम अम भी पढ़ते हैं, इसलिए ए और एम भी। अगर अन बोला जा रहा तो ए और एन, अम बोला जा रहा तो ए एम। इसी तरीके से दो बिंदी होती है यानी कि ए और एच, इसके लिए भी ये लिखा जाता है। अब हम कुछ स्पेलिंग साउंड जो बताए थे, यानी कि अगर कहीं पर भी आपको यू लिखना है तो यू के लिए सिर्फ यू लिखना है। अगर आपको कहीं पर भी आई लिखना है तो आई के लिए आई लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कहीं पर भी मान लीजिए आपको, हाँ अगर कहीं पर भी आपको आओ लिखना है तो ओ और डब्ल्यू लिखेंगे। तो आज के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अभी शुरू से क्लास शुरू हो गई है तो आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्री क्लास के लिए।